इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि आपकी एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज निकल चुकी हैं, तो हम उसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर को एक्चुअल में काम क्या करना होता है। आपने नाम तो सुना है लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्या काम करना है, क्या वर्क प्रोफाइल है। इसके साथ साथ इससे भी ज्यादा जरूरी कि इतने कम समय को कैसे यूटिलाइज करके कैसे प्रिपरेशन करनी है, इस पेपर की तैयारी कैसे करनी है, क्या सिलेबस है, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़े, यानी कि मेन हम फोकस करेंगे कि कैसे पढ़ाई करें कि उस तरीके से हम पढ़ के इस पेपर को क्रैक कर पाए और फाइनली एक सरकारी नौकरी ले पाए। तो आपको बता दूं कि एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 12th पास चाहिए और इसकी कुछ नौकरियों में सैलरी एसएससी सीजीएल की सैलरी जितनी भी होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनिशियल 85,000 रुपए तक भी सैलरी मिलती है कुछ डिपार्टमेंट्स में। अभी डिस्कस करेंगे इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी अलग अलग नौकरियां होती हैं, वो आगे हम वीडियो में डिस्कस करते चलेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि एक जीएसटी इंस्पेक्टर या एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जितनी सैलरी भी होती है एसएससी स्टेनोग्राफर की, और वहां आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th पास चाहिए और इसके पेपर में मैथ्स भी नहीं आता। इसमें ना तो आपका कोई फिजिकल टेस्ट होता ना आपका ऐसा कोई मेडिकल टेस्ट होता, यानी कि बिना मैथ्स के नो मैथ्स नो फिजिकल टेस्ट नो मेडिकल टेस्ट, ओनली 12th पास रिक्वायर्ड और सैलरी इंस्पेक्टर जितनी, सैलरी लगभग 85,000 तक इनिशियल सैलरी। इसीलिए ये पेपर बहुत शानदार पेपर है और मैं हमेशा कहता हूँ कि एसएससी का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्स है। तो जो आपकी अभी नोटिफिकेशन निकली है, आपका पेपर अक्टूबर नवंबर में होगा, तो अभी आपके पास समय है, आपको उस समय को यूटिलाइज करना है और प्रिपरेशन करना है। और अगर आप सच्चे मन से प्रिपरेशन करो ढंग से, मतलब ऐसे नहीं कि टाइम पास कर रहे हो, ढंग से अगर आप तैयारी करो तो इतने समय में आप तैयारी कर सकते हो और आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो दो दो तीन तीन साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपको उन्हें टक्कर देनी है, जो भी बिगिनर्स हैं जो फ्रेशर्स हैं उनको टक्कर देनी है, तो आपको समय को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि आप उनको टक्कर दे पाओ। अब जैसा मैंने बताया कि दो अलग अलग टाइप्स की नौकरी होती है, ग्रेड सी ग्रेड डी। तो जो ग्रेड सी की नौकरियां हैं ये 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे की नौकरियां हैं, और जो ग्रेड डी की नौकरी है 2400 ग्रेड पे की नौकरी है। ग्रेड सी की नौकरी में 18 से 30 साल चाहिए आपकी जो एज लिमिट है, और ग्रेड डी में 18 से 27 साल। तो जैसे 4200 और 4600 ग्रेड पे है, तो मैं वही आपको बता रहा था कि सीजीएल जितनी सैलरी भी मिलती है। तो फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए इसके एग्जाम पैटर्न और स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। तो जो एग्जाम पैटर्न है ना, देखो इसके तीन अलग अलग लेवल रहते हैं। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद आपका शॉर्ट एंड आपका स्किल टेस्ट होगा जिसमें शॉर्ट एंड होगा, और उसके बाद आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डीवी में तो डॉक्यूमेंट्स ही दिखाने हैं, तो मेजर हम कह सकते हैं कि रिटन टेस्ट और एक शॉर्ट एंड है, तो उन दोनों की प्रिपरेशन करनी है। तो जो आपका रिटन टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें आपके तीन सेक्शंस आएंगे, मैथ्स आएगा नहीं, आपका रीजनिंग इंग्लिश और जीके आएगा। रीजनिंग और जीके दोनों में से 50-50 सवाल आएंगे और इंग्लिश में 100 सवाल आएंगे, हर सवाल एक एक नंबर का होगा, यानी 50 नंबर की रीजनिंग 50 नंबर की जीके और 100 नंबर की इंग्लिश, टोटल हो गए 200 सवाल और टोटल हो गया 200 नंबर का पेपर। टोटल आपका 2 घंटे का पेपर होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की। वैसे तो देखो तीनों सेक्शंस ही इंपॉर्टेंट हैं, रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, जीके भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इन तीनों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इंग्लिश है, और फिर भी आपको रीजनिंग और जीके को भी कवर करना है। और जो लोग सीजीएल या सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी की सारी वही चीजें आ रही हैं। अभी इसकी स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे। अब अगर इसके सिलेबस की बात कर लें तो रीजनिंग इंग्लिश और जीके तीनों का सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट वही सिलेबस है जो आपका सीजीएल में आता है। तो CGL, CHSL और स्टेनो इन तीनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बस 19-20 का पैटर्न में डिफरेंस है। CHSL और CGL में तो बिल्कुल ही ना के बराबर डिफरेंस है, स्टेनो में डिफरेंस ये है कि उसमें मैथ्स नहीं आ रही, तो आपको इंग्लिश रीजनिंग और जीके पढ़नी है। अब बात करते हैं कि कैसे पढ़नी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं रीजनिंग के। और इनको पढ़ना कैसे है, एक तो आप जब मॉक टेस्ट लगाते चलोगे तो मॉक टेस्ट से आपका सिलेबस कवर होता चलेगा, और मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो ये किताब है, जिन लोगों ने किताब नहीं लिया आप इस किताब को ले सकते हो, पिनाकल की किताब है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज, और सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करी गई हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी आपको किताब, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप पहले थ्योरी समझो, चैट ट्रिक समझो कहीं से भी या मॉक टेस्ट से पढ़ते हो चलो, और उसके बाद यहाँ से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश को जैसे कि तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रामर वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रामर की, आपको ग्रामर की थ्योरी भी पढ़नी है और उसकी प्रैक्टिस करते हुए भी चलना है। तो आपको स्क्रीन पर जो चैप्टर्स दिख रहे हैं आपको ये सारे चैप्टर्स करने होंगे इंग्लिश ग्रामर के लिए। अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के लिए आप इस किताब को ले सकते हो, इस किताब से आप ग्रामर पढ़ सकते हो और साथ में आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो।
बहुत शानदार, बहुत अच्छी किताब है। इसके साथ साथ अगर आपको लगे कि आपको और पढ़ना है और समय है तो आप नीतू सिंह मैडम की किताब भी ले सकते हो, लेकिन जैसे कि अभी समय कम है तो कम समय में आप सिर्फ इससे पढ़ लेंगे तो भी सफिशियंट रहेगा। इससे पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियसर क्वेश्चंस की, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी ही प्रीवियसर क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसमें आपको सारे प्रीवियसर क्वेश्चंस मिलेंगे और प्रीवियसर क्वेश्चंस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग वोकैबुलरी भी पढ़ना चाहें तो वोकैबुलरी भी इस किताब से पढ़ सकते हैं। बाकी जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट भी लगाते चलेंगे, मॉक टेस्ट के साथ साथ भी आपकी वोकैबुलरी काफी इंप्रूव होती जाएगी, काफी अच्छी होती जाएगी। इंग्लिश पर मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश ही इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 200 में से 100 नंबर की तो इंग्लिश ही आ रही है, तो वैसे तो कुछ भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, चारों सेक्शन पढ़ने हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश को सबसे ज्यादा समय दे रहे हैं। इसके बाद अगर जीके की बात करें, जीके तो किसी भी लेवल का कोई पेपर हो, अगर आप दो किताबें देखो, वैसे तो एंडलेस प्रोसीजर है, कितना ही पढ़ लो कभी खत्म ही नहीं होगी, लेकिन हमें स्मार्ट वे में पढ़ना है तो स्मार्ट वे से पढ़ने के लिए हमेशा मैं ये कहता हूँ कि दो किताबों को रेफर करो, एक थ्योरी वाली किताब और एक प्रीवियसर क्वेश्चन। तो थ्योरी के लिए आप इस किताब को रेफर कर सकते हैं और प्रीवियसर क्वेश्चन के लिए आप इस किताब को रेफर कर सकते हैं। आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हर मीडियम में मिल जाएंगी किताबें। जीके का सिलेबस भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जीके इतनी ज्यादा वास्ट है कि नेवर एंडिंग है, इतना इजीली मतलब कभी खत्म होगी ही नहीं, लेकिन स्मार्ट वे में पढ़ना है जैसे मैंने आपको बताया। और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स आखिरी के 10 दिन में पढ़ लेना सिर्फ यूट्यूब वीडियो से, पिछले 1.5-2 साल की यूट्यूब वीडियो देख लेना डबल की स्पीड करके, फास्ट करके, समय बचाने के लिए, और उसमें आपकी बात बन जाएगी, उतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अब अगर इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश में अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उनको कवर कर लेते हैं तो आपकी काफ़ी हद तक इंग्लिश कवर हो जाएगी, तो नरेशन और वॉइसेज, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस, अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपकी इंग्लिश काफ़ी कवर हो जाएगी। और इसी के साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो लगभग आपकी 70% इंग्लिश में कवर हो जाती है। और वोकैबुलरी के लिए ना आप कोशिश करो कि आप रटो मत, आप समझो, मतलब आप जब भी वोकैबुलरी पढ़ रहे हो आप समझते हो चलो हर चीज़ को, आपको रटना कुछ भी नहीं है। तो वोकैबुलरी पढ़ने के लिए आप हमारी वोकैबुलरी की वीडियोज़ भी देख सकते हो, हमारी वोकैबुलरी प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पर ईशा मैम की वोकैब की वीडियोज़ देखो, आपको मज़ा आ जाएगा, इतने अच्छे तरीके से आपको वोकैबुलरी पढ़ाई गई है, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। इस सब के साथ साथ, ऐसे पढ़ने के साथ साथ आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना, मॉक टेस्ट डेली लगाना ही लगाना है, मिनिमम एक लगाना है, जब पेपर में कम समय बचेगा तब 1 से 2 भी कर सकते हैं मॉक टेस्ट। और इसके साथ साथ शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस शुरू कर दो, ऐसा ना हो कि रिटन पेपर क्लियर हो जाए, क्योंकि रिटन पेपर हो सकता है आप क्लियर कर लो और शॉर्ट हैंड में आप रह जाओ, तो आपको शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस भी साथ साथ करते हुए चलना है। तो आपको जो अपना टाइम टेबल बनाना है वो ऐसे बैलेंस रखना है कि थ्योरी जो आप पेपर के लिए भी पढ़ाई कर रहे हो, रिटन पेपर के लिए भी, और साथ में शॉर्ट हैंड की भी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली लोग जो इसमें आउट होते हैं वो शॉर्ट हैंड में ही आउट होते हैं। अब अगर इस नौकरी की जॉब प्रोफाइल की बात करें, वर्क कल्चर की बात करेंगे, काम करना क्या होगा, तो स्टेनोग्राफर आपको बहुत सारे लोगों को हो सकता है नाम से समझ आ रहा हो, कुछ लोगों को हो सकता है ना भी बताओ, एक्चुअल में जो इनका काम होता है वो होता है सीनियर ऑफिसर्स के साथ रहना और सीनियर ऑफिसर्स को असिस्ट करना। जैसे अगर आपने एसएससी स्टेनोग्राफर को क्लियर किया तो आप बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लग सकते हैं, तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में लगेंगे, आप मान लो पीए या पीएस लगते हैं, तो आप किसी सीनियर ऑफिसर के साथ अटैच हो जाएंगे, जैसे ज्वाइंट कमिश्नर या कमिश्नर, जैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी, इस टाइप से आप किसी सीनियर ऑफिसर के साथ अटैच हो जाएंगे और आप उनको असिस्ट करेंगे ऑफिशियल वर्क्स में, जैसे जो उनके ऑफिशियल काम है आप उनको असिस्ट करेंगे, जैसे मान लो कुछ ऑफिशियल ऐसी मेल आईडीज हैं उनको मॉनिटर करना है, या उनकी किसी ऑफिसर से बात करवानी है, उनकी अपॉइंटमेंट्स लेनी है, या उनका टाइम मैनेज करना है कि उनकी अलग अलग जगह, उनको इस समय पर यहाँ जाना है, इस जगह मीटिंग है, दूसरे समय पर उस जगह मीटिंग है, तीसरे समय पर किसी के साथ अपॉइंटमेंट है, इस टाइम का जो काम है, जो भी ऑफिशियल काम है वो आपको मैनेज करना है। जैसे एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाएं, मान लो किसी को अगर कमिश्नर से मिलना है तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली कमिश्नर के कमरे में घुस जाएगा, पहले वो कमिश्नर के पीएस के रूम में जाएगा, वो वहाँ से फिर वहाँ से उनको पता चलेगा कि किस टाइम वो फ्री है, किस टाइम वो मिल सकते हैं, उस टाइम वो कमिश्नर से मिलेंगे। तो इस तरीके से अपॉइंटमेंट्स भी लेना या जो भी कोई भी ऑफिशियल काम है उन सीनियर ऑफिसर्स का, वो सारा इनके पीए पीएस मैनेज करते हैं, यानी कि स्टेनोग्राफर मैनेज करते हैं। बाकी इस जॉब की एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि इसमें एक तो प्रमोशंस बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार प्रमोशंस हैं, और इसके साथ साथ ना आपको फ्री टाइम भी काफ़ी मिल जाता है, यानी कि आप अगर फर्दर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहें, आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं रहता, वर्कलोड नॉर्मल कम ही वर्कलोड रहता है और आप शाम को फ्री हो जाते हैं, तो आप इजीली किसी और पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं फिर वही कहूँगा कि इस एग्ज़ाम को अंडर एस्टिमेट मत करो, ये एसएससी का बहुत शानदार पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है, सिर्फ 12th पास क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन शॉर्ट हैंड की तैयारी करनी ज़रूरी है, अगर शॉर्ट हैंड नहीं आती तो कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोगों को हो सकता है मैथ्स से भी मुश्किल शॉर्ट हैंड लगती हो, कुछ लोगों को मैथ्स में दिक्कत है, तो ऐसी हो सकता है कुछ लोगों को शॉर्ट हैंड में दिक्कत आए, तो आपको शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन भी अभी स्टार्ट कर देनी है, कम से कम समय में तैयारी करो, मैक्सिमम समय को यूटिलाइज करो ताकि आप लोग एग्जाम को क्रैक कर सको। कुछ भी डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों के साथ वीडियो को शेयर करो।